पोशाक दिखाइए। साइज थोड़ा हैवी में दिखाइएगा। थोड़ा हैवी दिखाइए। आज दुकान बंद थी? नहीं, बंद थी। देर में बोले होंगे, बंद नहीं है। नहीं, वो बताएंगे आप कहीं घूमने गई। हम लोग दोपहर में 3 बजे आए थे। हाँ, 3 बजे हम नहीं खोले। हम जब भी खोले कागज है ना, कि यहाँ तरह से कागज अभी से गिरने लगता है ना, इसलिए लोग आगे नहीं बनाते। टीचर्स बनाते तो गिरता नहीं, तो उसमें यह होता है ना, इसमें थोड़ा सा टाँगना पड़ता है, उसमें टाँगना नहीं पड़ता है। ये देखिए, ऐसे देखो, ये साइज इधर थोड़ा से टाँग होते भी कैसे, ये इधर एक अगर आप ऐसे पहनाएंगे तो ये वाला देखिए, ये वाला निकालिए जरा। इसीलिए ना इधर महंगा कपड़ा है, इधर बर्फ़ है ना। ये वाला निकालिए, ये वाला तो लेंगे ही, ये वाला इसी साइज का, ये वाला इस साइज में, ये थोड़ा सा छोटा है ना। नहीं, ये अच्छा लग रहा है। गला दिखा दीजिए। टूट जाएगा आंटी, डेली में टूट जाता है, पगड़ी आराम करती है। थोड़ा कड़ा दिखा दीजिए, माला दिखा दीजिए, मुकुट दिखा दीजिए गोपाल जी का। ये सामने देख लीजिए, चुनरी सामने। आंटी थोड़ा जल्दी कर लीजिए, आप दिखाएंगे तब तो। क्या दिखाएं? कड़ा, कंगन, गोपाल जी का मुकुट, माला। अच्छा, यही नाप कर लेना है। हाँ, इसे जो पोशाक लिए ना, इसके मैचिंग का दे दीजिए। मुकुट ये बना ना, ये वो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो बहुत छोटू से है गोपाल जी। थोड़ा छोटा मुकुट दीजिए ना। ये वाला मुकुट, ये इसके मैचिंग का लग रहा है। कौन सा? ये वाला कितने का है? ये माला दिखा दीजिए, इसमें का माला दिखाइए। इतने बड़े हैं मेरे गोपाल जी। देखो ये नहीं अच्छा लग रहा है, इसमें का नहीं है क्या? छोटा इसमें का, इसमें का छोटा होते दे दीजिए। अंडरवियर भी दे दीजिए, मैचिंग का दीजिएगा। का दीजिएगा, ये वाला दे दीजिए। 120 रुपए ये बड़ा पड़ेगा। नहीं, 130 रुपए दे दीजिए। रुक जाइए एक दिन। हाँ, ये सुंदर है। ये बांसुरी कैसे दी आंटी? हाँ, बांसुरी ये वाला निकालिए, ये वाला 10 का है। ये गुलाबी वाला ना? हाँ, 10 का है। 10 और ये 20 का है। ये वाला दे दीजिए। कितना? एक छठ वाला कुल्हड़ ले लें। हाँ, चलो तुम पैदल चलो। मोबाइल से क्यों छीन लेने? कैसे दी कुल्हड़? 20 रुपए दर्जन। गए चलते हम 4 साल के 12 चिकन के ले। हाँ, तब पर नहीं है। 18 पीस दे दीजिए। ये लीजिए, पन्नी निकाल लिए। निकालेंगे एक पीस? हाँ, दो। 18
वो टूटा मत दीजिएगा, निकाल दूंगी आप। वो देखिए टूटा है बॉल। ये मत दीजिए आंटी, ये वाला नीचे वाला देखिए, वो अच्छा देख के दीजिए। है ना पूरा 18, एक तो बढ़ा के दे दीजिए, मान लीजिए टूट गया तो 36 रुपए। कुशा लेना है, माला फूल, पान, एक ये कुशा दे दीजिए, ये कुशा नहीं, गुलाब का सब पंखुड़ी झड़ जाएगा। गेंदा दीजिए ना, पैसा तो दे दें। तो गाइस यहाँ पे शॉपिंग हो गई है सारी, खरीदारी कल के पूजा की और जन्माष्टमी की। अब घर चल के मिलती हूँ आपसे। हाँ, 20 रुपए में कलो लिए, अभी चल दिए हैं घर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउसवाइफ। और आप लोग सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी ललई छठ मतलब हल षष्ठी जिसको कहते हैं, उसकी और जन्माष्टमी की सारी खरीदारी मैंने कर ली है। और अभी हल षष्ठी व्रत का इतना कन्फ्यूज़न है गाइज कि शनिवार रहना है कि रविवार रखना है व्रत, कुछ कन्फर्म नहीं हो रहा है। और मोस्टली लोग परसों रहेंगे मतलब संडे को रहेंगे, और कुछ लोग कल भी रहेंगे। तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कब रहूँगी, जैसा होगा मैं आपको बता दूँगी। और अभी चाय बना ली है, चाय पी लेती हूँ, फिर दो चार लोग से फ़ोन करके कंफर्म करती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। सो गाइज़, अभी बहुत सारे मंथन होने के बाद हम लोग इस चीज़ पे कंफर्म हुए हैं कि हल षष्ठी का व्रत हम लोग रविवार को रखेंगे। और उसके लिए मैंने ख़रीदारी तो आज ही कर ली थी, कुश लगता है उसमें, महुआ की पत्ती और ढाक की पत्ती लगी रहती है, तो वो कुश हम लोग मिट्टी के गमले में गाड़ देते हैं, मतलब ऐसे उसमें खोंस देते हैं। एक पहले परात ले लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, फिर बीच में गमला रखते हैं मिट्टी का, मिट्टी भर के और उसमें कुश को गाड़ देते हैं, फिर गौर गणेश की स्थापना करते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ जैसे मतलब कुल्हड़ जो मिलता है ना, वो तो छठ माई का 6 कुल्हड़, और जितने लड़के हैं, जैसे मान लीजिए आपके एक लड़का है तो एक लड़के का 6 और 6 छठ माई का, मतलब 12 कुल्हड़, और जिसके दो लड़के हैं तो वो 6 12 कुल्हड़ लड़कों का हो जाएगा और 6 कुल्हड़ छठ माई का हो जाएगा, मतलब 18 कुल्हड़। ठीक है, तो ऐसे होता है कि हर लड़के के पीछे 6 कुल्हड़ और छठ माई का 6 कुल्हड़। तो उस कुल्हड़ को हम लोग हल्दी से बाहर से, अंदर नहीं, बाहर से हल्दी से कलर कर देंगे और अंदर भरेंगे महुआ। महुआ को साफ़ करके धो लीजिए, तिन्नी का चावल और दही ये सब मिक्स करके भर देंगे, और थोड़ा बहुत आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी काट के भर सकते हैं उसको अच्छे से फिल करने के लिए, क्योंकि महुआ देखिए ज़्यादा मिल नहीं पाता है, तो उसको अच्छे से फुल पूरा भर के फिर उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे गौर गणेश की। वो सबसे पहले स्नान कराएंगे, दूध दही चढ़ाएंगे, और इसमें गाय का दूध नहीं लगता है, इसमें सब चीज़ भैंस का, दूध दही घी सब कुछ भैंस का होना चाहिए। ठीक है, और पूजा 10 से 11 के बीच मतलब 11 बजे के बाद ही होनी चाहिए, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा घचर पचर मचा हुआ है, तो उदयातिथि का समझ के हम लोग रहेंगे रविवार को। ठीक है, तो इस तरीके से पूजा करेंगे गौर गणेश, और जो आप तालाब बनाए रहेंगे परात में पानी भर के, उसमें कुश गाड़े रहेंगे, उसमें भी हम लोग सब कुछ चढ़ा देंगे, जल दूध दही हल्दी रोली अक्षत फूल ये सब चढ़ा के, फिर भोग में वही महुआ चढ़ेगा, महुआ तिन्नी चावल दही जो कुल्हड़ में भरे रहेंगे, और उसको सब चढ़ाने के बाद एक साड़ी भी हम लोग चढ़ाएँगे, ललई छठ पर साड़ी चढ़ती हैं। और फिर उसके बाद जो कंडी होती है उपली, उस पर महुआ और घी मिला के हवन होगा 6 बार, कथा करेंगे हम लोग, 6 कथा होती है, मोबाइल पे यूट्यूब पे सब उपलब्ध है।
और जो बड़े बूढ़े बताएं यदि वो आपको याद है तो आप वो सब भी कथा कह सकते हैं। किताब भी मिलती है बाज़ार में हलषष्ठी व्रत कथा। तो कथा करने के बाद हम लोग हवन करेंगे, आरती करेंगे और जो कुछ गाड़े हैं हम लोग तालाब में, मतलब कृत्रिम तालाब आर्टिफिशियल बना के, उसका हम लोग 6 बार परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद हम लोग की पूजा संपन्न हो जाएगी। 5 सुपारी, दक्षिणा, ये सब जो चढ़ता है वो सब आप चढ़ा दीजिए। तो पूरी फुल पूजा विधि हलषष्ठी को आपको मिलेगी। अगले बार से मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन पहले आपको पूरा करके दिखा दूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, मेरी मेहनत को सफल करिए, तो मैं और मेहनत करूँगी आप लोग के लिए, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले ब्लॉग में अब आपसे मिलूंगी। अपना खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, ब्लेसिंग दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो अभी मिलती हूँ आपसे कल, बाय।